तो अब देखते हैं वी लुकअप किस तरह से काम करेगा और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अभी जो हमने लुकअप पढ़ा है फॉर्मूला, उस लुकअप के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि हमारा जो डेटा है वो सॉर्टेड होना चाहिए। अगर मेरे पास डेटा सॉर्टेड नहीं है तो मैं वी लुकअप का यूज करूंगा। वी से वर्टिकल होता है, लुकअप से सर्च करना, ठीक है। तो वर्टिकली हम कॉलम में अगर सर्च करना चाहते हैं तो हम वी लुकअप का यूज करेंगे। इसके अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा फील्ड जो रो यूज की है वो यहाँ पे नंबर यूज किया है, कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर का क्या यूज है वो हम फॉर्मूले के अंदर देखेंगे। तो देखते हैं वी लुकअप हम किस तरह से यूज करेंगे। सपोज मैं इस नाम के लिए मैं सर्च करना चाहता हूँ, वो हम सैलरी, सिटी या डेजिग्नेशन कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप, तो जैसे हम वी एल लिखते हैं तो वी लुकअप आ जाता है यहाँ पे, डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद है लुकअप वैल्यू, जैसे हमने लुकअप के अंदर डाला था वैल्यू पिछली बार वैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हमने ये इस नाम को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद टेबल एरे आएगा। टेबल एरे में पिछली बार हम नाम से ले रहे थे, इस बार हम ये पूरा का पूरा टेबल या डेटाबेस हमारा सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने पहले सेलेक्ट किया है, लेकिन इस बार हम कॉलम नेम के साथ करेंगे। लेकिन जो ये नंबर हमने दिए हुए हैं कॉलम्स को, उन्हें हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। सपोज मैं सैलरी देखना चाहता हूं या डेजिग्नेशन देखना चाहता हूं या सिटी देखना चाहता हूं, तो जो भी कॉलम मैं देखना चाहता हूं, जिस वैल्यू को देखना चाहता हूं, उसका नंबर मैं एंटर करूंगा। सपोज अगर मुझे डेजिग्नेशन देखना है तो मैं यहां पर एंटर करूंगा 4, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये दो वैल्यूज आती हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू होगी अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और फॉल्स होगी एग्जैक्ट मैच के लिए। ट्रू यूज करते हैं हम 1 और फॉल्स यूज करते हैं 0। अगर मुझे फॉल्स करना है तो मैं 0 लिखूंगा, ट्रू करना है तो 1 लिखूंगा। ट्रू हम तब करेंगे अगर डेटा हमारा सॉर्टेड है, फॉल्स हम करेंगे अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है। अभी हम जो यूज कर रहे हैं वहां पे हमारा डेटा सॉर्टेड नहीं है। लुकअप के लिए ये मैंडेटरी कंडीशन होती थी कि वहां पे हमें डेटा सॉर्टेड चाहिए, लेकिन वी लुकअप के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे अभी मेरा डेटा जो है वो सॉर्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे फॉल्स यूज करूंगा तो 0 लिखूंगा, एंटर किया और ये हमारे यहाँ पर यहाँ पोस्ट आ गई। वैसे ही अगर हम यहाँ पे अब किसी और के लिए चेक करना चाहते हैं, मैंने नाम चेंज कर दिया, यहाँ पर जीत डाल दिया, तो उसकी पोस्ट आ गई। यहाँ पर हम कोई भी नाम अगर एंटर करेंगे तो ये हमें वैल्यू सर्च करके दे देगा। ऐसी अगर मैं किसी और कॉलम की वैल्यू चाहता हूं तो वहां पर हम लिखेंगे वी लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू। तो सपोज हम इसके लिए सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, कॉमा, हम टेबल पूरी सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा डेटाबेस है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंडेक्स नंबर, सपोज मैं सैलरी चाहता हूं तो मैं यहां पर लिख दूंगा 2, क्योंकि उस कॉलम का इंडेक्स नंबर मैंने दिया हुआ है 2, कॉमा, उसके बाद हम यहां पे लिख देंगे 0 और एंटर कर देंगे। तो यहां पे हमारे पास सैलरी आ गई। यहां पे आप कोई भी नाम अब सर्च करोगे तो उसकी सैलरी वो अपने आप दिखा देगा। तो इस तरह से हम वी लुकअप यूज कर सकते हैं वर्टिकली अगर हमें कुछ सर्च करना है।